मा खलकतुल जन्ना वल इंसा इल्ला लियबुदून। आपने सुना होगा ये हर जगह कि हमने जिन्नो इंस को पैदा इसलिए किया है कि हमारी परस्तिश करें, यही तर्जुमा होता है। कहीं असल लफ्ज ले आते हैं तो इबादत करें, कोई इबादत के माने ही परस्तिश होता है। हमने पैदा ही इसलिए किया, जिनको तो छोड़ दीजिए वो बात दूसरी जगह आएगी। इंस तो आ गया ना, इंसानों को पैदा ही हमने इसलिए किया कि हमारी परस्तिश करें, अंदाजा लगाइए आप। कुछ खोल के बयान करने की बात नहीं है। तख्लीक इंसानी की गायत व गर्ज व मकसूद व मतलूब ये है कि वो मेरी परस्तिश करें, ये है मकसद। अब इनसे पूछा जाता है कि साहब परस्तिश तो यही है ना कि जो नमाज पढ़ ली, कोई नफल पढ़ लिए, उसके बाद कुछ वर्द वजीफे कर लिए। वो तो कहा है कि तख्लीक की गर्ज ये है, इसके माने कि इसके सिवा कुछ और करना ही नहीं है। कुछ और किया तो वो मकसद तख्लीक के खिलाफ चला जाएगा ना, तख्लीक का तो मकसद ये है। तो इनमें से जो बड़े से बड़े भी जो वो बुजुर्ग इबादत गुजार हैं, उनकी भी तो ये सूरत नहीं है कि वो 24 घंटे हर सांस में वो ही परस्तिश की बात करते चले जाएं। और कुछ भी तो करना होता ही है ना। तो जितना कुछ ये वक्त किया वो तख्लीक जो का मकसद जो खुदा ने बताया बकौल इनके, वो उसके खिलाफ चली गई बात। इसलिए ये अपने यहाँ के जो ये बड़े बड़े मुक्तदा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके मुतलक ये बातें मशहूर होती हैं कि साहब वो दिन रात इसी में ही लगे रहते थे, नफले पढ़ते रहते थे, तस्मियां फेरते रहते थे, बैठे रहते थे एक कुंज के अंदर, और वो कभी नफल पढ़ते थे, कभी नमाज पढ़ते थे, रोज़ा सायमुद्दहर होता था, हमेशा रोज़ा रखते थे। भूख लगती थी तो वो एक रोटी लकड़ी की दे रखी थी माँ ने, उसको चक मारते थे, बनाए हुई है काहे के लिए, इल्ला लियबुदून, मकसद ही खुदा की परस्तिश। पहले तो इस मकसद पे जोर दी, जरा गौर कीजिए अजीजा ने मन, कहीं तन्हाई में बैठ के गौर कीजिएगा कि खुदा कहता है मकसद ये है इनके पैदा करने का, हमारी मेरी परस्तिश कर दे रहा। एक लफ्ज इबादत के मफहूम के बदल जाने से आप देखिए बात कहीं से कहीं जा पड़ी। गर्ज व गायत तख्लीक इंसानियत की कुछ और हो गई। ये जो इबादत गुजार कौम है इसकी जिंदगी कुछ और हो गई। वो सखरा लकुम मा फिस समावात वल अर्ध कह रहा था कि सारी कायनात जेरे तस्खीर तुम्हारे कर दी है, उठो और इन कुव्वतों को अपने लिए अपने काबू में लेके आओ। वो ये बता रहा था यहाँ ये सूरत है कि बैठे हुए हैं गोशे के अंदर और वहाँ नफल पढ़े जा रहे हैं, नमाज पढ़ी जा रही है, तस्बीह है, विरद हैं, वज़ाइफ़े हैं, ये क्यों हो रहा है। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियबुदून, खुदा बता रहा है कि तख्लीक यही है। जीजा ने मन माफ रखिएगा, ये तो गनीमत है कि कौम इस पे अमल पैरा नहीं है। सारी कौम अगर यही करने लग जाए ये जो बुजुर्ग करते हैं या बदून का माने, तो सोचिए तो सही। फिर वो तो बचे हुए हैं कि वो ये कुछ करते हैं, रोटी और कमाते हैं, उनको दे जाते हैं, अगर सारे ये कुछ करने लग पे इल्ला रे या एक लफ्ज अबदा या बदू से अरबी जुबान में भी और कुरान करीम में भी जो अल्फाज इस्तेमाल हुए अजीजा ने मान, इसके माने ही महकूमियत के हैं कि शर्फ इंसानियत यह है कि इंसान ना तो मज़ाहरे फितरत में से किसी शय के सामने झुके, क्योंकि हर शय इसके ताबे तस्खीर है और उसके बाद इंसान रह जाता है ना। इंसान इंसान के सामने वलकद करमना बनी आदम, हर इंसान यकसा वाजिब तकरीम है। तो जो यकसा वाजिब तकरीम है उसमें से एक का दूसरे के सामने झुकने माने क्या रखते हैं, ये तो इससे ज्यादा तजलील और क्या हो सकती है कि जो अपने बराबर है उसके पाँव के ऊपर सर रखा हुआ हो, इंसान ने उसके सामने झुका हुआ हो, उसके आकाम के सामने सर तस्लीम खम कर लिया, उसकी महकूमियत तस्लीम किया हो। तो ना तो मज़ाहिर फितरत में से किसी के सामने ये झुक सकता है, ना अपने जैसे इंसान के सामने झुक सकता है। और पाबंदी तो करनी पड़ती है जिंदगी में किसी शय की, किस चीज़ की पाबंदी करो,
खुदा के कवानीन की पाबंदी करो। हमने इनको पैदा इसलिए किया, इनकी तख्लीक की गायद ये थी कि किसी और के सामने ये ना झुकें, सिर्फ हमारे कवानीन के सामने झुकें।